हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल सम स्टडी। आज हम इस वीडियो में पद्मा अवार्ड्स को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। इस अवार्ड में से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, और इस वीडियो में हम पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पद्म अवार्ड्स के पहले स्थान पर पद्म विभूषण आता है, और इस स्लाइड पर हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दिस इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ये भारत का द्वितीय सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, जो कि हर साल रिपब्लिक डे में दिया जाता है भारत का। दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 को इस अवार्ड का निर्माण हुआ था। इस अवार्ड दिया जाता है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। इस अवार्ड को हर साल भारत के रिपब्लिक डे में दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में। और 2020 तक टोटल पद्म विभूषण 314 लोगों को दिया जा चुका है। ये आपको याद रखना है कि 1954 से लेकर अब तक, यानी कि 2020 तक 314 लोगों को पद्म विभूषण दिया जा चुका है। जब इस अवार्ड का शुरुआत हुआ था, यानी कि 1954 को, टोटल 7 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं, जो एक भारत के मैथमेटिशियन और फिजिक्सियन है, जिन्होंने अल्फ्रेड नोबेल जी के साथ काम करा है। उसके बाद नंदलाल बोस, जो कि एक पेंटर हैं। उसके बाद जाकिर हुसैन जी, जो कि एक पॉलिटिशियन है और भारत के तृतीय राष्ट्रपति थे ये जाकिर हुसैन जी, इनको आपको याद रखना है। और बाला साहेब गंगाधर खेर, जो कि एक लॉयर थे और उस समय की जो बॉम्बे स्टेट था, यानी कि अब के महाराष्ट्र स्टेट की प्रथम मुख्यमंत्री थे बाला साहेब जी। और बी के कृष्ण मेनन जी, जो कि एक पॉलिटिशियन थे और भारत के द्वितीय सबसे पावरफुल मैन इनको कहते थे। और जिग्मे दोराई जी यांगचुक जी, जो कि एक भूटान के बासिंदा थे, उनको इस अवार्ड को मिला था 1954 में। अगर हम 2020 की बात करेंगे तो इस अवार्ड को 4 लोगों को पोस्टमॉर्टम दिया गया है, यानी कि उनके निधन के बाद इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें पहला नाम जॉर्ज फर्नांडिस का है, और उसके बाद अरुण जेटली जी का, उसके बाद सुषमा स्वराज जी का, और उसके बाद विश्वेश्वर तीर्थ जी का। यानी कि इन 4 लोगों को इस साल के पोस्टमॉर्टमली इस अवार्ड को दिया गया है, यानी कि इनके निधन के बाद। इन सभी को आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं अनिरुद्ध जुगनौथ जी और मैरी कॉम और चन्नूला मिश्र जी, इन सभी को इस साल के पद्म विभूषण के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन सभी को आपको याद रखना है। पोस्टमॉर्टमली 4 लोगों को और सिंपली 3 लोगों को 2020 के ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब हम पद्म भूषण अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। द पद्म भूषण इज द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये भारत का तृतीय सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, जो कि हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है, यानी कि भारत के रिपब्लिक डे में हर साल इस अवार्ड को दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के द्वारा। और यदि हम इसकी जो अवार्ड सेरेमनी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। तो 1954 से लेकर 2020 तक 1270 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, जिसमें से 26 पोस्टमॉर्टमली हैं और नॉन सिटीजनशिप रेसिपिएंट 94 हैं, यानी कि इनका जो सिटीजनशिप भारत में नहीं है तो इनका नंबर 94 है, और पोस्टमॉर्टमली 26 लोगों को दिया जा चुका है। अगर हम शुरुआती साल के बारे में बात करेंगे तो, यानी कि 1954 में 4 लोगों को इस अवार्ड को दिया गया था। साइंस एंड इंजीनियरिंग से 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें से पहले नाम होमी जहांगीर भाभा, जो कि महाराष्ट्र के निवासी हैं, इनको
इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद शांति स्वरूप भटनागर जी जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, इसके बाद जनान चंद्र घोष जो कि वेस्ट बंगाल के हैं, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और महादेव अय्यर गणपति जो कि उड़ीसा के हैं, इनको भी 1954 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन सभी को आपको याद रखना है। तीन लोगों को साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए और उड़ीसा के सिविल सर्विस के लिए, एक लोगों को 1954 में पद्म भूषण से विभूषित किया गया था। इस स्लाइड पर हम पद्मश्री के बारे में पढ़ेंगे। पद्मश्री इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत के चौथा सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्मश्री है। सिविलियन का मतलब नागरिक होता है। और हम इसकी स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को हुआ था और अभी तक 2020 तक 3005 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दिस अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, भारत के गणतंत्र दिवस पर हर साल इस अवार्ड को दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन दिस अवार्ड इज बलबीर सिंह, इनको आपको याद रखना है, इस इमेज पे वो हैं। अगर हम इस अवार्ड को पहचानने की बात करेंगे तो हम दूर से कैसे पहचानेंगे इस अवार्ड को? पद्म विभूषण के जो रिबन होता है वो सिंपली पिंक कलर का होता है और पद्म भूषण में पिंक रिबन के साथ एक वाइट स्ट्राइप होता है और पद्मश्री में पिंक रिबन के साथ दो वाइट स्ट्राइप होता है। तो दो स्ट्राइप रहा तो पद्मश्री और एक स्ट्राइप रहा तो पद्म भूषण, कोई स्ट्राइप नहीं रहा वाइट का तो इसको हम पद्म विभूषण अवार्ड है हम जान सकते हैं दूर से देखकर, पास से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं, जब भी सेरेमनी हो तो आप क्विक जान सकते हैं इस टेक्निक के साथ। ये तो गया कि हम रिबन से कैसे पहचान सकते हैं इस अवार्ड को। उसके बाद आ जाता है मेडल पर। देखिए, पहला तो पद्म भूषण कैसे पहचानेंगे, इसमें बड़ा बड़ा पेटल तीन होता है और पद्म विभूषण में बड़ा बड़ा जो कि जो पद्म का पेटल होता है वो चार होता है। उसके बाद आता है पद्मश्री अवार्ड, इसमें बड़े बड़े पद्म के जो पेटल होते हैं पंखुड़ी वो पांच होते हैं। तो पांच हुआ तो पद्मश्री, तीन पेटल हुआ तो पद्म भूषण और चार हुआ तो पद्म विभूषण। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। तो इस जो लोटस के फूल है उसके ऊपर पद्म लिखा रहता है और उसके नीचे विभूषण, भूषण और श्री लिखा रहता है और पीछे के साइड पर सत्यमेव जयते का एक लोगो रहता है। तो आपको इसको याद रखना है। इसमें से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्म विभूषण जीतने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, इनका नाम क्या है? आपको आंसर देना है कि सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी ने आज ए स्पोर्ट्स पर्सन पद्म विभूषण जीता था। और इसके बाद ध्यानचंद जी जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं, उन्होंने पद्म भूषण जीता था, यानी कि उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और बलबीर सिंह जी जिनको हम पहले के स्लाइड पर देख चुके हैं, उन्होंने 1957 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए थे। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हम 2020 के इस पद्म अवार्ड के बारे में बात करेंगे तो टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और 16 लोगों को पद्म भूषण से और 118 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो रिकैप कर लेते हैं, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो 2020 में टोटल 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है। और ये बात आपको याद रखना है कि ये जो 3 अवार्ड पद्म के होते हैं, इनको वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो एक शहर है अलीपुर मिंट, यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसका निर्माण पश्चिम बंग की राजधानी कोलकाता में स्थित अलीपुर में बनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देना। और यदि आपने हमारा पुराना वीडियो जो कि भारत रत्न ऑस्कर अवार्ड के बारे में नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।